इस एक तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस तस्वीर में स्मृति ईरानी सऊदी अरब के मदीना शहर में खड़ी हैं। मदीना इस्लाम में सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। आप सुनते आए होंगे कि मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना से बढ़कर कुछ नहीं है। अब इसी मदीना शहर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि सऊदी अरब ने पहली बार किसी गैर मुस्लिम डेलीगेशन को मदीना शहर में मस्जिद के पास आने की इजाजत दी है और ये डेलीगेशन भारत का था। आप इसे इतिहास की सबसे बड़ी घटना बोल सकते हैं। ये एक असंभव सा काम हुआ है। गर्व की बात यह है कि स्मृति ईरानी साड़ी पहनकर मदीना पहुंची। स्मृति ईरानी बिल्कुल पारंपरिक भारतीय कपड़ों में मदीना शहर पहुंच गई। स्मृति ईरानी ने कोई तुष्टिकरण या दिखावा करने की कोशिश नहीं की। स्मृति ईरानी के साथ जो डेलीगेशन गया था उसमें एक कश्मीरी हिंदू IRS ऑफिसर निरुपमा कोत्रू भी थी। निरुपमा कोत्रू भी पारंपरिक भारतीय कपड़ों में थी। डेलीगेशन में विदेश एवं संसदीय मामलों के राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी थे। अब आप ही देखिए कि दो भारतीय हिंदू महिलाओं के मदीना जाने से सऊदी अरब को कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन दुनिया भर के कट्टर मुस्लिम भड़क गए हैं। इस यात्रा को अनुमति देने पर मुस्लिम कट्टरपंथियों ने सऊदी अरब की आलोचना शुरू कर दी है। कट्टरपंथियों का कहना है कि सऊदी अरब को एक गैर मुस्लिम महिला को मदीना की यात्रा करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। इसे लेकर अब सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। मजे की बात देखिए कि कन्वर्टेड मुसलमान सबसे ज्यादा छाती पीट रहे हैं। सऊदी अरब भारतीय प्रतिनिधि मंडल को मदीना के मरकजिया क्षेत्र में स्थित पैगंबर की मस्जिद की परिधि में ले गया। उसके बाद भारतीय प्रतिनिधि मंडल में उहूद पर्वत और कूबा मस्जिद का दौरा भी किया। आपको जानकारी के लिए बता दें कि कूबा मस्जिद इस्लाम की पहली मस्जिद के रूप में महत्व रखती है। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब के लिए भारत कितना महत्वपूर्ण हो गया है। मजे की बात देखिए कि कुछ ही घंटों पहले संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति PM मोदी के साथ गुजरात में रोड शो कर रहे थे। वही गुजरात जिसके नाम पर दुनिया में PM मोदी को मुस्लिम विरोधी बनाने का एजेंडा चलाया गया। दुनिया के दो सबसे ताकतवर मुस्लिम देश भारत के लिए अपनी सारी परंपराएं तोड़ रहे हैं। अगर ये भारत की ताकत नहीं है तो फिर क्या है? कट्टर पंथियों को आप रोने दीजिए, वो जितना रोएंगे उतना एक्सपोज होंगे। वैसे रोने वाले मुस्लिमों को हम ये बता दें कि स्मृति ईरानी अल्पसंख्यक मामलों की भी मंत्री हैं। वो सऊदी अरब में भारतीय मुस्लिमों की हज यात्रा को लेकर ही पहुंची थीं। वो चाहती थीं कि भारतीय मुसलमानों को हज यात्रा के दौरान अच्छी सुविधाएं मिले। अब इसके बाद भी मुस्लिमों को स्मृति ईरानी की ये यात्रा पसंद नहीं आ रही तो इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता।